नमस्कार, सच को हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 बड़ी खबरों पर। शरद पवार के बाद एनसीपी में शुरू हुआ इस्तीफों का दौर, अब राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र ने छोड़ा पद। थाने एनसीपी के सभी पदाधिकारियों ने इस्तीफा देने का किया फैसला। खुद को दिवालिया घोषित करने वाली एयरलाइन गो फास्ट के कर्मचारियों की बड़ी चिंताएं। 5,000 कर्मचारियों की नौकरी पर लटकी तलवार, कंपनी की याचिका पर 4 मई को होगी सुनवाई। एयरलाइंस ने बंद की सभी उड़ाने। कर्नाटक में कांग्रेस उम्मीदवार के भाई के घर आयकर विभाग की रेड टीम ने 1 करोड़ रुपए की राशि की बरामद। बगीचे में लगे पेड़ पर डिब्बों में छिपा रखी थी करोड़ों की ब्लैक मनी। रेड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे पहलवानों से मिलने पहुंची पीटी उषा। रेसलर दिनेश फोगाट, साक्षी मलिक व दूसरे पहलवानों से की न्याय की लड़ाई में साथ देने का दिलाया भरोसा। ब्रजभूषण के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों ने लौटाई दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी। राजस्थान के संगरिया ब्लॉक के सेवादारों ने मंदबुद्धि युवक को पहुंचाया घर। निजामुद्दीन के रूप में हुई युवक की पहचान, कलेपुर केरला का बताया जा रहा मंदबुद्धि। बता दे कि डेरा सच्चा सौदा के पूज गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा द्वारा चलाई जा रही इंसानियत मुहिम के तहत मंदबुद्धियों की संभाल कर रहे डेरा अनुयायी। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के हत्यारे की दया याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी बलवंत सिंह की याचिका पर केंद्र सरकार को जल्द फैसला लेने के दिए आदेश। बता दें कि 1995 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की अपने साथियों के साथ मिलकर आरोपी ने की थी हत्या। मणिपुर में पंजाब के अमृतसर का जवान हुआ शहीद। ड्यूटी के दौरान बॉर्डर पर लगी गोली। देर रात अमृतसर की मॉडर्न कॉलोनी में पहुंचा शहीद का शव। परिवार का रो रो कर बुरा हाल। राज के सम्मान के साथ सेना के जवानों ने दी अंतिम विदाई। गैंगस्टर लॉरेंस के साथी नंदू के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। दिल्ली हरियाणा में 20 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान टीम ने बरामद किया कैश, हथियार व नशीले पदार्थ। झज्जर सोनीपत में बैठे बुर्गों पर दिल्ली पुलिस की टीम ने की कार्रवाई। हरियाणा में कोरोना से 2 लोगों की मौत से फैली दहशत। 10 दिन में संक्रमण के 75% मामलों में आई गिरावट। 24 घंटों में 243 कोरोना के नए केस आए सामने। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लोगों से की कोविड नियमों की पालना की। देश भर में पिछले कई दिनों से बारिश और आंधी तूफान का दौर जारी। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, कोलकाता में भी जारी रहेगा बारिश का। सच को हिंदी बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सच को हिंदी चैनल।